लब्धि वीर्य आज का प्रेरणा पाते है। वीर्य का मतलब शक्ति, लब्धि का मतलब आत्मा की शक्ति। आत्मा की शक्ति को लब्धि वीर्य कहते हैं। और हमारे भीतर जो प्रभु है वो अनंत ज्ञान वाला है, अनंत दर्शन वाला है, अनंत शक्ति वाला है और अनंत सुख का धाम है। उसकी शक्ति को लब्धि वीर्य कहा जाता है। और ये लब्धि वीर्य फिर हमारा आगे जाकर के शरीर को जो शक्ति मिलती है तो कर्ण वीर्य होता है। तो हमें लब्धि वीर्य की प्राप्ति करने के लिए हमें ज्ञाता दृष्टा भाव में रहना चाहिए, हमें रियल पुरुषार्थ करना चाहिए, हमें दृष्टि विज्ञान करना चाहिए, हमें संभाव रखना चाहिए, हमें संवर रखना चाहिए। ये पोषक तत्व है लब्धि वीर्य के लिए। और लब्धि वीर्य जो है ये दुनिया की सबसे बड़ी ताकत है। इस दुनिया के अंदर, इस आत्मा के समान के अंदर कोई भी जो है वो ताकतवर वस्तु नहीं है। क्योंकि एक आत्मा जो है वो सारे ब्रह्मांड को देखती है और सारे ब्रह्मांड का जो वो परिचय कर सकती, इतनी ताकतवर चीज होती है। इसीलिए लब्धि वीर्य को पहचानने के लिए हमें इंट्रोस्पेक्शन करना चाहिए, हमें आत्मनिरीक्षण करना चाहिए, आत्म परीक्षण करना चाहिए। और हमारा आत्मा तत्व का जो है वो क्या लक्षण है वो जानना चाहिए। आत्म तत्व का जो हमारा जो लक्षण है कि ये चेतनामय है, असंख्य चेतनामय परमाणुओं के पिंड को जो है हम चेतना कहते हैं। और चेतना की शक्ति को लब्धि वीर्य कहा जाता है। लब्धि वीर्य हमें जो है वो जन्म के साथ में मिलता है और मृत्यु तक चलता है। उस लब्धि वीर्य के कारण ही हमारे मन वचन काया जो ये चलते हैं। जो लब्धि वीर्य ही जब शक्ति देता शरीर को तब वो कर्ण वीर्य बन जाता है। और बिना आत्मा की शक्ति के हम कोई कार्य नहीं कर सकते।